Hello everyone and welcome back to Kartik biology classes. तो आज बेटा हम 9th क्लास से जो बायोलॉजी है हमारा जो सेकंड चैप्टर है टिश्यू का, इसमें हम जो एनिमल टिश्यू है उसके अंदर भी हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमारा फर्स्ट हम कर चुके हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्केलेटल टिश्यू। अब ये स्केलेटल टिश्यू क्या है? देखो स्केलेटल मीन स्केलेटन, यानी कि हम हड्डियों के बारे में जानेंगे। हाँ, हड्डियों का हमारा जो टिश्यू है उसके बारे में हम जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है उसके बारे में हम जानेंगे और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का डिटेल में हम जाएंगे, डायग्राम की मदद से भी करेंगे हम। तो स्केलेटल टिश्यू वो टिश्यू है जो जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारा एंडोस्केलेटन है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है पूरा पूरा। ये हमारे जो आर्म्स हैं, हमारी हाथों की हड्डियां हैं, सर की हड्डियां हैं, हमारी जो चेस्ट कैविटी है, ठीक है, और हमारे पाँव के जो ह्यूमरस है, ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी है हमारी, ठीक है, रेडियस उल्ना हमारे हाथ की हड्डियां हैं। आप छोटी क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, एक बेसिक से जानकारी आपने ली होगी। तो इसके बारे में जानेंगे कि ये देखो करता क्या है बेसिकली। ये बेसिकली हमारी बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, ठीक है, पूरे पार्ट्स के अंदर जो हमारे मसल्स हैं उनको जोड़ने में मदद करता है। बिना हड्डियों के हम मूवमेंट नहीं कर सकते, लोकोमोशन नहीं कर सकते। और लोकोमोशन के लिए क्या जरूरी है कि हमारे जो मसल्स हैं ये जुड़ी हों हड्डियों के साथ। जब हमारी मसल्स काम करेंगी तभी हमारी हड्डियां क्या है काम करेंगी, तभी हम क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे अपने हाथ हिला रहा हूँ अभी, ठीक है, ये अपने मैं बोल पा रहा हूँ कि मेरे जो जॉज हैं बोलते समय हिल रहे हैं। तो ये हिल क्यों पा रहे हैं? ये हड्डियों के कारण हिल पा रहे हैं। और साथ में हड्डियों को हिलाने का काम कौन कर रहा है? मस्कुलर टिश्यू कर रहा है। इसको हम नेक्स्ट करेंगे मस्कुलर टिश्यू। तो हड्डियों का जो बात करें, जो स्केलेटल टिश्यू की बात करें, ये हमारी बॉडी को मूलभूत एक ढांचा प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर हमारी बॉडी क्या है खड़ी है। जैसे किसी अगर हम पुल की बात करें, किसी घर की बात करें, उसको खड़ा करने के लिए दीवारों की जरूरत होती है। दीवारों के अंदर क्या है, और दीवारों की जरूरत होती है छत डालने के लिए। उन दीवारों के ऊपर क्या घर खड़ा हो सकता है, नीम के ऊपर क्या घर खड़ा हो सकता है। तो वैसे हमारी बॉडी को एक प्रॉपर पोस्चर में रखने के लिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या है स्केलेटल टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस फंक्शन कि हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, इसके अलावा ये काफी सारे और भी काम करता है। जैसे कि ब्लड के सेल्स होते हैं उनको बनाने का काम भी करता है। ठीक है, ब्लड सेल्स को बनाने का काम भी करता है। इसके अलावा और दूसरे फंक्शंस हैं जो हमारे स्केलेटल टिश्यू काम करता है। तो चलो आइए जानते हैं इसके बारे में कि जो स्केलेटल टिश्यू है ये इसकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी होती है? डेंस होती है एंड मिनरलाइज्ड। ठीक है, मैट्रिक्स मीन्स स्केलेटल टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वो सेल्स प्रेजेंट हैं उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, बोन के अंदर क्या है काफी सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, काफी सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बाहर का भी डॉटेड स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं आपको, तो ये है मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि सेल्स के बीच में एक डेंस एक मिनरल्स की, मिनरल्स मीन्स कैल्शियम वगैरह है हमारे, फॉस्फोरस वगैरह है, इन मिनरल्स के हमारी एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है, एक जगह प्रेजेंट है, डेंस है, मिनरलाइज्ड है। ठीक है, डेंस मतलब काफी घनी है वो, और इन सेल्स के बीच में प्रेजेंट है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी है? डेंस है और क्या है? मिनरलाइज्ड है। ठीक है, और ये स्केलेटल टिश्यू है हमारा क्या एंडो स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे एंडो स्केलेटन ने अंदर के ढांचे को, हमारा एंडो मतलब अंदर, स्केलेटन मतलब जानते हो टिश्यू की बात हो रही है, तो हमारा हड्डियों का ढांचा है वो हमारा क्या अंदर का एक प्रेजेंट है, हमारा एंडोस्केलेटन है उसे कहते हैं, जो जो कि हमारे जो वर्टिब्रेट्स हमारे हैं। ठीक है, यानी कि वर्टिब्रेट्स मीन्स जो जितने आपके जिनके अंदर वर्टिब्रा प्रेजेंट है
जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी वगैरह होती है, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है, वो कहलाते हैं वर्टिब्रेट्स, सिंपल भाषा में है, ठीक है। और नर्व कॉर्ड होती है आपके डॉर्सल, जो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। तो वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनके पास रीढ़ की हड्डी है और डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, एक बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे वर्टिब्रेट्स को मिलती है। तो वर्टिब्रेट्स का जो अंदर का ढांचा होता है वो हड्डियों से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्केल्टन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोस्केल्टन कहते हैं, स्केल्टन कहते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? ये जो एंडोस्केल्टन है, ये जो एंडोस्केल्टन है, ये क्या करता है, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि लंग्स, हमारे जो रिब्स है, यहाँ पर रिब्स के कैविटी के अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट है और हमारे क्या हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन्स को और हमारे जो ऑर्गन्स को क्या प्रोटेक्ट करता है, हमारे दिमाग की बात करें, हमारा दिमाग जो है काफी एक वाइटल ऑर्गन है, ये भी एक सॉफ्ट है, जरूरी ऑर्गन है। तो इसके ऊपर क्या है, हड्डियों की कवरिंग होती है, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बात समझ में आई बेटा? ये तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था, एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, ठीक है, फ्रेम को प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर क्या है, हमारी बॉडी एक तरह से क्या है, प्रॉपर शेप में रहती है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहती है। तो वो फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करता है, एंडो, ये स्केल्टन यानी कि स्केल्टल टिश्यू। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्केल्टल टिश्यू की, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्केल्टल टिश्यू की बात करें, तो पहला हमारा क्या है, कार्टिलेज आती है। कौन सी आती है, दो तरह की होती है वैसे, कार्टिलेज एंड बोन, दो तरह के हमारे स्केल्टल टिश्यू होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। तो हम कार्टिलेज की बात करेंगे, कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज एक सॉफ्ट होता है, ठीक है, हार्ड बट फ्लेक्सिबल स्केल्टल कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव का मतलब समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो जुड़ी होती हैं किसके साथ, हड्डियों के साथ, तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू है। यानी कि जो ये कार्टिलेज है ये हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल स्केल्टल कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसकी जो मैट्रिक्स है वो बनी होती है किसकी, ग्लाइको प्रोटीनियस इन नेचर होती है। ग्लाइको प्रोटीनियस का मतलब है प्रोटीन्स के, और साथ में क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपको क्या है देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉन्ग्लुटामिक सल्फेट, एक शुगर है हमारी ये, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा था मैं, तो कॉन्ग्लुटामिक सल्फेट शुगर बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारा जो कार्टिलेज है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, कि वो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट शुगर की बनी है और साथ में कॉन्ड्रीन प्रोटीन। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है कार्टिलेज के अंदर, वो कौन सी है, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। इसके अलावा जो पूछ लिया जाता है कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है हमारा, वो है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट शुगर। बात समझ में आ रही है बेटा? ये यानी कि जो कार्टिलेज है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट शुगर एंड कॉन्ड्रोइन प्रोटीन, ठीक है, जो कि सिक्रीट की जाती है, जो सिक्रीट की जाती है ओवल शेप्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज के अंदर, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, जो कि कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट शुगर को और कॉन्ड्रीन जो प्रोटीन है इसको क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। यानी कि जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं ये हेल्प करते हैं कार्टिलेज की फॉर्मेशन में, ठीक है, बात समझ में आई है बेटा ये? और ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं कैविटी के अंदर, और उस कैविटी को कहते हैं लेक्यूना। क्या कहते हैं उस कैविटी को, हम लेक्यूना कहते हैं। वह इस तरह की कैविटी है और इसके अंदर क्या है, वो कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये जो हमारे क्या है बीच में हमारे क्या है न्यूक्लियस है, और ये जो सेल है हमारा ये कहलाएगा कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। बात समझ में आ रही बेटा? ये तो ये बाहर कैविटी है, उस कैविटी के अंदर क्या है, एक सेल प्रेजेंट है जिसे हम कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं, और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या है, कार्टिलेज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है बाय सिक्रेटिंग द कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट शुगर, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट शुगर एंड कॉन्ड्रीन प्रोटीन, ठीक है, बात समझ में आ रही यहां तक? ये क्या होती है, नॉन मस्कुलर होती है, इसकी जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज की नॉन मस्कुलर। नॉन मस्कुलर का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, खून की सप्लाई नहीं होती है, मतलब कहने का मतलब है,
सप्लाई का मतलब है कि जो नसें होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा इसके पास में कोई नर्व सप्लाई यानी कि नर्वस टिश्यू या नर्व्स इसके पास कार्टिलेज के अंदर नहीं होती हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई भी ब्लड वेसल इसके अंदर नहीं होती मैट्रिक्स में कार्टिलेज की, और ना ही इसके पास एक नर्व सेल होता है यानी कि नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है कार्टिलेज के अंदर। ठीक है, ये बाहर से कवर्ड होती है, जो कार्टिलेज है बाहर से कवर्ड होती है विद अ वाइट फाइब्रस कवरिंग कॉल्ड पेरिकोन्ड्रियम। कार्टिलेज की जो कवरिंग है वो ये एक मान लो एक कार्टिलेज है, ठीक है, ये बाहर से इसके ऊपर एक कवरिंग होती है वो कवरिंग कहलाती है पेरिकोन्ड्रियम। पेरी का मतलब ऊपर की बात होती है, कोन्ड्रियम मतलब जो कार्टिलेज की बात हो रही है, तो कार्टिलेज के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं हम पेरिकोन्ड्रियम। पेरी का मतलब अपर जो सरफेस है। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक? और इसकी जो ग्रोथ होती है वो होती है यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में, कि भाई ये यहाँ अगर कोई भी कार्टिलेज प्रेजेंट है तो एक ही दिशा में वो आगे वो उसकी ग्रोथ होती है, ना कि यहाँ से पीछे की तरफ भी होगी और आगे की तरफ होगी, दोनों तरफ से ग्रोथ नहीं होती है। कार्टिलेज की ग्रोथ हमेशा कहाँ होती है? एक तरफ होती है। ठीक है, अब ये मिलती कहाँ पर है, हमारी बॉडी में कहाँ देखने को मिलेगी? ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम जो कार्टिलेज मिलती है वो हमारी कौन सी है? हेलाइन कार्टिलेज होती है, फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है ये। ठीक है, और मिलती कहाँ पर है? जो हमारी लिंब बोन्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे ये हाथ और पाँव की जो बोन्स होते हैं इनके एंड्स पर मिलती है हेलाइन कार्टिलेज, फ्लेक्सिबल होती है, इनकी मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, स्टर्नम जो आपकी रिब केज है, रिब केज के बिल्कुल बीच की जो हड्डी होती है यहाँ पर हमारे रिब्स हैं, और इसके सेंटर में आप देखोगे हाथ लगा के देखोगे तो यहाँ पर एक हड्डी मिलेगी टी शेप की। यहाँ से चेक करो, ये आपकी शोल्डर बोन होगी, शोल्डर बोन से कोलार बोन कह सकते हैं, कोलार बोन से नीचे एक बोन आ रही है सेंट्रल जहां पर हमारे रिब्स आके जुड़ती हैं, ये कहलाती है स्टर्नम। तो यहाँ पर आपको क्या है, कार्टिलेज देखने को मिलती है इन पाइना ऑफ ईयर। ये हमारा जो बाहर की जो कान है ये पाइना है, इसको आप देखोगे एक हल्का सा हार्ड स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि क्या बेंट हो सकता है, मुड़ सकता है, तो ये हमारा पाइना है। इस पाइना के अंदर हमारे वो बोन प्रेजेंट है हियालाइन कार्टिलेज। कौन सी है? वो हियालाइन कार्टिलेज है। और नाक का हमारा सेंट्रल जो पार्ट है ये हमारा क्या फ्लेक्सिबल है यहाँ पर, तो ये जो सेप्टम है बीच वाला इस हिस्सा जो ये है यहाँ पर भी क्या है हियालाइन कार्टिलेज मिलती है। इसके अलावा जो लैरिंग्स, ये हमारा जो हिस्सा है लैरिंग्स वॉइस बॉक्स कहते हैं हम, यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारा विंड पाइप है, विंड पाइप के ऊपर सी टाइप की बोन्स होती हैं, वो भी एक तरह की हमारी क्या कार्टिलेज है, ट्रेकिया। विंड पाइप की बात हो रही है, उसके ऊपर एक सी शेप की इस तरह की स्ट्रक्चर की, इस तरह की स्ट्रक्चर की कार्टिलेज होती है, हेयरलाइन कार्टिलेज होती है। ठीक है, ट्रेकिया के अंदर मिलती है, वो हमारा कहलाता है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के अंदर भी क्या मिलता है हमें, हेयरलाइन कार्टिलेज देखने को मिलती है। इसके अलावा ब्रोंकाई, ट्रैकिया के बाद हमारे विंड पाइप नीचे आती है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, इसे ब्रोंकाई कहते हैं। तो ब्रोंकाई के अंदर भी हमें कार्टिलेज देखने को मिलती है, और वो कार्टिलेज कौन सी है? हियालाइन कार्टिलेज। ठीक है, बात करें फंक्शन की क्या है, तो देखो ये एक तरह की स्केलेटल टिश्यू है, तो क्या एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा हमारे जितने पार्ट्स है बॉडी के, कान की शेप है ठीक है हमारी इस तरह की शेप रहती है पहलवानों की, आप कान देखना बिल्कुल पिचक जाते हैं यहाँ से, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो कान की जो हड्डियां है हेलन कार्टिलेज है वो टूट चुकी होती, खत्म हो चुकी होती है, इसलिए पहलवान के कान काफी बिल्कुल पिटक जाते हैं। ठीक है, अभी मेरा कान देख सकते हो, पहलवान का कान देखना और आपके कान देखना, तीनों में फर्क मिलेगा, आप वक्त के कान और मेरे कान एक जैसे मिलेंगे शेप में, स्ट्रक्चर में। ठीक है, और पहलवान के कान कैसे मिलेंगे, बिल्कुल चिपके हुए मिलते हैं, उस केस में क्या होता है हड्डियां जो टूट जाती हैं इसलिए वहां पर क्या सपोर्ट नहीं मिलती है मसल्स को, पाइना की मसल्स को। ठीक है, और इसके अलावा ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है एट द जॉइंट्स ऑफ बोन। जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि ये कहाँ मिलती है कार्टिलेज, जो लॉन्ग बोन्स होती है हमारे लिम्ब बोन्स, इनके एंड्स पर मिलती है, एंड्स पर मिलती है, तो इनको उनको फ्लेक्सिबल बनाने का काम करती है, उनके मूवमेंट उसमें क्या है मूवमेंट आसानी से हो सके, तो इसीलिए ये जो कार्टिलेज है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जो आपकी लिम्ब बोन्स है, लॉन्ग बोन्स है, उनके एंड्स पर मिलती है ताकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। इसके अलावा ये जो कार्टिलेज है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब है कि हमारी बॉडी में जितने झटके लगते हैं तो उन झटकों को एब्जॉर्ब करने काम करती है, हमारी बॉडी के अंदर वो झटके ना पहुंचे, वो महसूस ना हो, तो उनको एब्जॉर्ब करने का काम भी करती है। बात समझ में आ गई बेटा? तो
तो ये तो था हमारा किसका, कार्टिलेज के बारे में। आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम, कार्टिलेज का डायग्राम कैसा होता है। ये जो बाहर की स्पेस देख रहे हो आप, ये जो स्पेस मैं रेड कलर से राउंड कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, ये जो स्पेस है ये कहलाती है लैक्यूनाई। यहाँ पर दर्शा रखा है लैक्यूनाई, एक कैविटी है लैक्यूनाई इसके अंदर, और इस कैविटी के अंदर क्या सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या सेल नाम लिखा हुआ है, कोंड्रोसाइट्स। क्या लिखा हुआ बेटा, कोंड्रोसाइट्स नाम दिया हुआ है। ये कोंड्रोसाइट सेल्स बाद में क्या है, कोंड्रोब्लास्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वहां पर हमने कोंड्रोब्लास्ट पढ़ा था, यानी कि कोंड्रोसाइट सेल्स होते हैं बाद में कोंड्रोब्लास्ट में चेंज हो जाते हैं, और ये सेंटर में आप देख सकते हो इनका न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, और यही जो कोंड्रोसाइट सेल्स होते हैं कार्टिलेज का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से थे बेटा वहां पर, कोंड्रीन प्रोटीन थी, और साथ में क्या था हमारा, कोंड्रोइटिन सल्फेट सुगर थी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बोन के बारे में, और बोन जिसे हम इसस टिश्यू भी कहते हैं, ओसस टिश्यू, बोन या फिर ओसस टिश्यू कहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके मैट्रिक्स की बात करते हैं पहले हम। तो मैट्रिक्स होती है बोन की, वो ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर की बात करें जैसे कि ओसिन प्रोटीन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से निकल के आता है कि जो बोन होती है, बोन के अंदर कौन सी प्रोटीन हमें देखने को मिलती है, वो तो कौन सी प्रोटीन है, ओसिन प्रोटीन होती है, ठीक है। यानी कि जो बोन की जो मैट्रिक्स है, तो ये एक बोन है, बीच में कैनाल होती है, और उसके बाहर चारों तरफ भी हमारी क्या एक कैनाल है, कैनाल्स होती हैं, और ये जो स्पेस बची यहाँ पर बीच में, ये जो मैट्रिक्स है बोन की, और इसके अंदर भी हमारे क्या है जो कैनाल है, कैनाल जिन्हें हाइब्रेशन कैनाल कहते हैं, तो इनके अंदर भी क्या मैट्रिक्स होती है, वो हमारी बनी होती है किसकी, ऑर्गेनिक मैटर की, यानी कि ओसिन प्रोटीन की बनी होती है, और किसकी बनी होती है, इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अलावा मिनरल्स वहां पर हमें देखने को मिलते हैं जो बोन को हार्ड करने का काम करते हैं, ठीक है, जो बोन को हार्ड करने का काम करते हैं। मैट्रिक्स क्लियर हो गया, जो मैट्रिक्स होती है ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों की मिली होती है। ऑर्गेनिक का मतलब है लिविंग मैटर की कह सकते हो, इसमें क्या है जो प्रोटीन है ओसिन प्रोटीन होती है। जब इनऑर्गेनिक मैटर की बात करें उसमें कैल्शियम फॉस्फेट है, यानी कि उसमें आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कैल्शियम के मिनरल्स हैं, फॉस्फेट के जो फॉस्फोरस है वो हमको देखने को मिलेगा बोन्स के अंदर, और ये मिनरल्स क्या करते हैं, बोन को हार्ड बनाने का काम करते हैं, ठीक है। जो बड़ी बोन्स होती है हमारी लॉन्ग बोन्स, जैसे कि हमारी ह्यूमरस है, बोन है हमारे पाँव की जो बोन है लॉन्ग बोन होती है, उनके अंदर एक कैविटी देखने को मिलती है, ठीक है, और वो जो कैविटी होती है भरी होती है फैटी टिश्यू की, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं बेटा हम, बोन मैरो कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमरस, जो ह्यूमरस बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, इसके सेंटर में कैविटी है, और वो कैविटी भरी होती है किसकी, फैटी टिश्यू की, उसे कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं, बोन मैरो। ये बोन मैरो भी दो तरह की होती है बेटा, रेड बोन मैरो एंड व्हाइट बोन मैरो, ठीक है, दिमाग में रहेगी बात आपको, ये रेड बोन मैरो एंड व्हाइट बोन मैरो, दो तरह की बोन मैरो होती है हमारी बोन मैरो के अंदर, रेड एंड व्हाइट। अगर हम बोन की बाहर की कवरिंग की बात करें, वो एक थिक शील से कवर्ड होती है, जिसे कहते हैं पेरी ओस्टियम, ठीक, क्या कहते हैं, पेरी ओस्टियम कहते हैं। हमने कार्टिलेज में पढ़ा था कौन सी थी, पेरी कॉन्ड्रियम थी वहां पर, और यहाँ पर क्या है, पेरी ओस्टियम, ओस्टियम मतलब बोन की बात हो रही है, वहां पर कॉन्ड्रियम की बात हो रही थी, यानी कि कार्टिलेज की बात हो रही थी, पेरी कॉन्ड्रियम, पेरी मतलब ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ जो कवरिंग है उसे कहते हैं हम पेरी, और यहाँ पर हड्डियों की बात हो रही है तो ओस्टियम, तो पेरी ओस्टियम, ठीक है। समझने के लिए बहुत कुछ है, बड़ा आसान है, पेरी मतलब ऊपर बाहर, और ओस्टियम यानी कि हड्डी के बाहर जो कवरिंग है उसे कहते हैं हम पेरी ओस्टियम, ठीक है। अगर हम बोन की वाल की बात करें, ठीक है, अगर बोन है हमारी, अगर बोन, ये बोन है, इसको ऐसे नहीं समझेंगे हम, मान लो हमारी ये कोई बोन है, अगर उसको हम ऐसे काट दें, काट के अलग कर दें, ठीक है, तो हमें वो स्ट्रक्चर है ऐसा देखने को मिलेगा बोन का, ठीक है। इस स्ट्रक्चर की जो ये वाल है हमारी, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, सेंटर में कैविटी है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और ये बाकी जो हमारा बचा है,
इसके अंदर आपको क्या है, रेडियली अरेंज कंसेंट्रिक रिंग्स मिलेंगी, एक सिस्टम मिलेगा कैनाल्स का, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रेशन कैनाल्स कहते हैं, हाइब्रेशन कैनाल। ठीक है, अगर डायग्राम में हम देखेंगे हाइब्रेशन कैनाल के बारे में, ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपको देखने को मिलेगा, एक अरेंजमेंट कंसेंट्रिक रिंग्स के अंदर कुछ कैनाल्स देखने को मिलेंगे, ऐसे सेंटर में हमारी कैविटी है और चारों तरफ हमारे क्या कुछ कैनाल्स हैं, अरेंज हैं कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में अरेंज हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाइब्रेशन कैनाल। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? ये होता है हमारा हाइब्रेशन कैनाल, ठीक है, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है मेमिलियन बोन की। जो मैमल्स होते हैं उनकी बोन के अंदर हमें हाइब्रेशन कैनाल देखने को मिलती है, और जो नॉ जो मैमल्स नहीं होते, ठीक है, उनके अंदर हमें क्या है, हाइब्रेशन कैनाल देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि फिशेज वगैरह हैं, ठीक है, इनकी बोन्स के अंदर आपको हाइब्रेशन कैनाल देखने को नहीं मिलेगी। उनकी जो फिशेज भी दो तरह की होती है हमारी, कार्टिलेजन फिशेज एंड बोनी, ठीक है, उनके अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगी हाइब्रेशन कैनाल। क्लियर बेटा यहाँ तक? ये अभी जो हाइब्रेशन कैनाल है, अभी जो हाइब्रेशन कैनाल है, ये इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ वोक्समैन्स कैनाल्स। ठीक है, अभी डायग्राम में सारा क्लियर हो जाएगा कि वोक्समैन्स कैनाल क्या होती है। ठीक है, जो हाइब्रेशन कैनाल होती है, ये भाई मान लो ये एक हाइब्रेशन कैनाल ये है, एक हाइब्रेशन कैनाल ये है, एक हाइब्रेशन कैनाल ये है, और ये सारी सारी आपस में जुड़ी होती हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ लेमिला और कैनाल्स, जिन्हें हम कहते हैं वोकमैन्स कैनाल्स। ठीक, याद रहेगा बेटा, ये वोकमैन्स कैनाल्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? इन कैनाल्स के पास क्या होता है, ब्लड होता है, लिम्फ होता है और नर्व सप्लाई, यानी कि जो हाइब्रेशन कैनाल्स होती हैं इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी, आपको नसें देखने को मिलेंगी जो ब्लड लेके आती हैं और ब्लड लेके जाती हैं। इसके अलावा जो टिश्यू प्रेजेंट है ब्लड सॉरी ये जो इसे टिश्यू प्रेजेंट है, इसके सेल्स के अंदर आपको क्या है, कलरलेस एक फ्लूड देखने को मिलेगा जिसे हम लिम्फ कहते हैं, और आपको क्या है, नर्व सप्लाई भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो जो कार्टिलेज था उसके अंदर ना तो आपके ब्लड वेसल्स थी, ना उसके पास लिम्फ था, ना उसके पास क्या थी, नर्व सप्लाई थी। ये डिफरेंस क्रिएट हो गया बेटा आपके यहाँ से, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होती है कार्टिलेज, मगर यहाँ पर क्या है, जो बोन होती है थोड़ी हार्ड होती है। ये डिफरेंस हमारा सामने आ रहा है, उसकी आउटर कवरिंग को कहते हैं हम पेरिकोंड्रियम, और इसकी जो आउटर कवरिंग कहलाती है पेरियोस्टियम। ठीक है, डिफरेंस हमारा साथ साथ हो रहा है। और वहां पर जो प्रोटीन थी हमारी, कौन सी प्रोटीन थी, कोंड्रिन प्रोटीन थी, यहाँ पर कौन सी प्रोटीन है बेटा, ओसिन प्रोटीन मिलती है देखने को। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा यहां से, डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा? ये जैसे कि मैंने बताया था कि हाइब्रेशन कैनाल एक कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में क्या तो प्रेजेंट होते हैं बोन के अंदर, जिसे हम कहते हैं हाइब्रेशन लेमिला या फिर हाइब्रेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको कि अगर डायग्राम दिखाएंगे उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, फिर भी यहाँ वो चेक कर लेते हैं। और ये आपके क्या है, एक बोन है, इसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, हाइब्रेशन कैनाल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, हाइब्रेशन कैनाल प्रेजेंट हैं और ये आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वोक्समैन कैनाल्स। बात समझ में आ रही है? वोक्समैन कैनाल्स, ये जो सिस्टम बना अभी हाइब्रेशन कैनाल का, इसे कहते हैं हाइब्रेशन लेमिला और हाइब्रेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, हाइब्रेशन सिस्टम या फिर हाइब्रेशन लेमिला। क्लियर बेटा यहां तक? के इन लेमिला के बीच में, यानी कि हाइब्रेशन सिस्टम के बीच में कुछ रिंग्स होती हैं खाली जगह की, जिन्हें हम लेकुना कहते हैं। आगे डायग्राम में पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। कुछ रिंग्स होती हैं सर्कुलर फैशन में, रिंग्स होती हैं, और उनके अंदर कुछ स्पेसेस होती हैं, और उन स्पेसेस के अंदर क्या आपको सेल्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें कहते हैं हम ओस्टियोसाइट्स। क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, जो बोन को बनाने में हेल्प करती हैं, वो कहलाती हैं ओस्टियोसाइट्स। बात क्लियर है यहां तक बेटा? ये ठीक है। और उनकी जो ब्रांचेज हैं, यानी कि जो लेक्यूनाई है, वो एक लेक्यूना ये है, इसके अंदर एक सेल प्रेजेंट है, कौन सा, ये ओस्टियोसाइट प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, इसके चारों तरफ कुछ क्या है आपको, साइटोप्लाज्म के ब्रांचेस नजर आएंगी। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं,
केनाली कुलाई, क्या कहते हैं? केनाली कुलाई कहते हैं। और ये केनाली कुलाई के जरिए डिफरेंट जो आपके ओस्टियोसाइट सेल्स होते हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ आ रही बात? ये देखो, ये जो सेल्स बना दिए, एक नंबर सेल हमारा, ये दो नंबर सेल है हमारे, ये तीन नंबर सेल है, नंबर दे दी मैंने। ये तीनों सेल आपस में इंटरकनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्रांचेज। ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक ब्रांचेज है, बाहर निकली हुई है, इनके थ्रू क्या ये आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम केनालिकुलाई। क्या कहते हैं इन्हें? हमें केनालिकुलाई कहते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? इन्हें क्या कहते हैं? हम केनालिकुलाई कहते हैं। ठीक है, और बोन की जो ग्रोथ होती है, बोन की जो ग्रोथ होती है, कैसी होती है? बाई डायरेक्शनल। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने थाई बोन का, अगर हम हड्डी का डायग्राम जो बनाए, तो आपको कैसा देखने को मिलेगा? एक इस तरह का हड्डी का डायग्राम बना देता हूँ, थाई बोन, ये जनरल स्ट्रक्चर है हड्डी का। ठीक है, तो ये जो एंड्स होते हैं हमारे, ये एंड्स बोन्स के, इन्हें कहते हैं हम एपिफिसिस। क्या कहते हैं? एपिफिसिस। ठीक है, एपिफिसिस कहते हैं। तो इस पॉइंट पर क्या होती है? ग्रोथ होती है बोन्स की। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैटर ऐड करते हैं बोन्स के अंदर दोनों तरफ, जिससे हमारे क्या, बोन्स की जो लंबाई हमारी बढ़ जाती है दोनों तरफ से। ठीक है, तो इसीलिए जो ग्रोथ होती है हड्डियों के अंदर कैसी होती है? बाई डायरेक्शनल होती है। बात समझ में बेटा यहां तक? ये तो कार्टिलेज में जो ग्रोथ, हमारी ग्रोथ थी वो कैसी थी? वहां पर यूनि डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन वहां पर क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो यहां पर आप डायग्राम देख सकते हो। पहला डायग्राम आपका है कि बोन का एक माइक्रोस्कोपिक, या टीएस कह सकते हो, टीएस है एक तरह का, ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। तो आप देख सकते हो भाई, ये यहां पर ओस्टियोन लिखा हुआ है, दिख रहा है? ओस्टियोन और कुछ और नहीं है, ये एक हाइब्रेशन सिस्टम है। ठीक है, एक ओस्टियोन क्या है? एक हाइब्रेशन लैमिला है ये। ठीक है, ऐसे काफी सारे क्या है, हाइब्रेशन कैनाल सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे इस बोन के अंदर। और इसके अंदर आप देख सकते हो केनालिकुलाई। ठीक है, यानी कि जो ये ब्लैक कलर का आप दिख रहा होगा यहाँ पर सेल्स, ठीक है, ये ब्लैक कलर के सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। इन्हें क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। और ये ओस्टियोसाइट्स आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? केनालिकुलाई। ठीक है, और ये सेंट्रल पार्ट है हमारी बोन का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सेंट्रल पार्ट है हमारी बोन का, जिसे ट्रेबिकुलाई कहते हैं, एक तरह की कैविटी है हमारे सेंटर में। और ये जो देख रहे हो आप हाइब्रेशन कैनाल, एक हाइब्रेशन कैनाल ये है, एक कैनाल ये है हाइब्रेशन कैनाल, और एक कैनाल आपकी यहाँ पर नजर आ रही है हाइब्रेशन कैनाल। ठीक है, और ये आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स कैनाल्स नोन एज वोक बेंच कैनाल, जिसके हमने बारे में जिक्र किया था कि हाइब्रेशन कैनाल आपस में जुड़ी होती हैं विद द हेल्प ऑफ वोक बेंच कैनाल। ठीक है, वोक बेंच कैनाल, ये आपकी क्या है, दोबारा से दिखाते हूँ बेटा। एक हाइब्रेशन कैनाल ये है, एक हाइब्रेशन कैनाल ये है। ठीक है, रेड कलर से दर्शा रखी है मैंने, दिखा रखी है आपको, ये कहलाती है हाइब्रेशन कैनाल। और इसके बीच में कनेक्शन प्रेजेंट है, जो ट्रांसफर कनेक्शन है, ये है वोक्समैन कैनाल, जिसके जरिए ये दोनों की दोनों जो हाइब्रेशन कैनाल है आपस में क्या जुड़ी हुई हैं, जिसके थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ और जो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये क्या है, मेनली न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये एक दूसरे से क्या एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो इस सेंटर में, हाइब्रेशन कैनाल के सेंटर में आपको दो, एक है रेड कलर की, एक ब्लू कलर की, आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। दीज आर द ब्लड वेसल्स। क्या है बेटा? ये ब्लड वेसल्स हैं। बात समझ में आ गई बेटा? ये ब्लड वेसल्स हैं। अब यहाँ पर एक नाम तो दिख रहा है आपको, पेरियोसियम, जैसे कि हमने पढ़ा था, उसकी कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है बोन की, उसे कहते हैं पेरियोसियम। और यहाँ पर अंदर की तरफ में रेड कलर से जो मैंने एक सर्कुलर स्पेस बना दी मैंने, अंदर की तरफ जो कवरिंग होती है वो कहलाती है एंडो एंडोस्टियम। बाहर वाली पेरियोस्टियम, अंदर वाली क्या कहलाएगी? एंडो एंडोस्टियम।
अंदर वाली जो कवरिंग है वो कहलाती है एंडो स्टियम। बात समझ में आ रही बेटा? अंदर वाली क्या कहलाती है? एंडोस्टियम। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया आपको कि जो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है बोन का कैसा है, जो हमने बड़ा सारे सिस्टम हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखो राइट साइड वाला डायग्राम देखोगे आप, थोड़ा और डिटेल है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, सेंटर में कैनाल है, ये कहलाती है हार्वेशन कैनाल। क्लियर हो गया आपको? और ये जो दिखा रखा है ओस्टियोन, ओस्टियोन कुछ नहीं है, एक तरह का हार्वेशन सिस्टम है। ठीक है, एक तरह का हार्वेशन सिस्टम है, और इसके चारों तरफ, हार्वेशन कैनाल के चारों तरफ आपको एक कंसेंट्रिक रिंग के अंदर, रिंग्स के अंदर आपको क्या है, कैनालिकुलाई देखने को मिलेंगी। ठीक है, कैनालिकुलाई आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और जो सेल्स हैं अपने आप को अरेंज कर रहे हैं कंसेंट्रिक रिंग्स के अंदर, दिख रहा है आपको ये? तो ये तो आपका है ओस्टियोसाइट्स, और इसकी जो स्पेस है जिसके अंदर ये ओस्टियोसाइट प्रेजेंट हो कहता है लेक्युना, और ये लेक्युना आपस में कनेक्टेड है विद हेयर लाइक स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम कहते हैं कैनालिक्युलाई। क्या कहते हैं? कैनालिक्युलाई। बात समझ में आ रही है बेटा? ये अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से कि हार्वेशन कैनाल है, हार्वेशन कैनाल के अंदर आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपको कैनालिक्युलाई देखने को मिलेंगी, आपको ओस्टियोसाइट्स देखने को मिलेगा, आपको नर्व सप्लाई देखने को मिलेगी, इसके चारों तरफ भी आपको कैनालिक्युलाई देखने को मिलेगी, लेक्युनाई देखने को मिलेगी, और वो लेक्युनाई आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैनालिक्युलाई। ठीक है, बात समझ में आ गया बेटा? ये तो था स्ट्रक्चर हमारा बोन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक ऑफ वास्कुलर सिस्टम, यानी कि वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर, और सबसे जरूरी बात, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और याद रहे कि राइट साइड में आपके एक बेल का आइकन है, उसको क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको क्या है, कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से रेगुलर आपको क्या है, अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।